ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश, धन दौलत शोहरत हमें विरासत में मिल सकती है, लेकिन इंसान को अपनी पहचान खुद ही बनानी पड़ती है। इंसान की पहचान होती है उसके अच्छे चरित्र और अच्छे संस्कारों से। इसके उसकी अच्छी परवरिश का पता चलता है और इंसान महान बनता है अपने कर्मों से। इसलिए आप खुद पर विश्वास कर मेहनत कर आगे बढ़ें, क्योंकि अगर सब कुछ हमें बिना मेहनत किए मिल जाए तब हम उसकी मूल्य और अहमियत को नहीं समझ सकते। लेकिन वही सब जब हम अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं तब उसका मूल्य और अहमियत बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए आप खुद पर विश्वास कर आगे बढ़ें। हर किसी पर विश्वास करने की गलती ना करें, क्योंकि अक्सर कभी कभी दांत ही अपनी जीभ को काट लेते हैं। तो जो इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि आजकल हर कोई चालाकी का है ज़माना है। हर कोई अपने आप से ज़्यादा चालाक है, और सच्चे और सीधे लोगों का अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप जिस भी हालात में हैं डटकर सामना करें, और अपनी कमजोरी का कभी किसी के सामने प्रदर्शन ना करें, क्योंकि अक्सर कमज़ोर इंसान को ही हर कोई दबाना चाहता है। आप मेहनत कर आगे बढ़ें, आपको कामयाबी भी अवश्य मिलेगी। क्योंकि जो इंसान ठान लेता है वह कर भी सकता है, जो सोच सकता है वह कर सकता है, क्योंकि इंसान के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और बहुत जल्द आपका सुनहरा भविष्य आपके सामने होगा। अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी ना होगी। जो बीत गया वो वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा, और इस नव वर्ष में आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि आपके बाबा हमेशा आपके साथ हैं। ये दुनिया ये लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके बाबा आपके साथ हैं। और ये नया वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। आपका हर सपना पूरा होगा, हर सुख आपके पास होगा, क्योंकि एकदम कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे प्रयास करने से ही इंसान एक दिन कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुँच जाता है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो। इस नव वर्ष में हम बाबा से यही दुआ करते हैं कि किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई गम ना हो। हर किसी के हर सपने को पूरा करें, सबको सुख दें, सबको खुशी दें, और आपका भविष्य भी आपके सामने होगा। सदा खुश रहें, सदा जगाते रहें।